औरंगाबाद में भाजपा से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने पर सांसद सतीश गौतम, हाथरस से निर्वाचित सांसद अनूप प्रधान और महापौर प्रशांत सिंघल के एक वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा होने पर महानगर टीम की ओर से रघुनाथ पैलेस में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुमित गोटेवाल और उनके साथियों ने कृष्ण कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। स्वागत समारोह में शहर विधायक मुक्ता राजा, ठाकुर रघुराज सिंह, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर विवेक सारस्वत, संजय गोयल, यतेंद्र वाई आदि मौजूद रहे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अलीगढ़ के लोकप्रिय महापौर प्रशांत सिंघल जी। जानेंगे आज किस तरीके का कार्यक्रम रघुनाथ पैलेस में हुआ है, क्या कहेंगे किस तरीके का कार्यक्रम आज? भारत माता की जय। साथियों, आज हम सबके द्वारा अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अलीगढ़ जनपद वासियों को, इस आज अलीगढ़ के सांसद जो तीसरी बार मेरे बड़े भाई सतीश गौतम जी जीत कर आए हैं, अनु वाल्मीकि जी, और मैं अपने सभी पार्षदों के साथ अलीगढ़ की जनता का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद समारोह आज रखा था। मैं अपने दिल की गहराइयों के साथ एक एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अलीगढ़ की जनपद वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आपकी अथक मेहनत के साथ आज हम तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और आज हमारा एक साल पूरा हुआ है। उसी के उसमें मैं अपनी सभी पार्षदों के साथ मिलकर अलीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने हमको महापौर चुना है, सांसद चुने हैं, विधायक चुने हैं, आपको बहुत बड़ा बदलाव अलीगढ़ के विकास में दिखेगा और जो है विकसित भारत का सपना हमारी सरकार लेके चलिए, मोदी जी की सरकार लेके चलिए, आपको ये आने वाला 5 साल इस भारत की दिशा को नई आयाम पहुंचाएंगे, हमारा भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और मैं विश्वास दिलाता हूं अलीगढ़ की जनपद वासियों का कि मेरे शरीर का एक एक कण और शरीर खमे का एक एक पल इस शहर के लिए लग जाएगा और इस शहर को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। मैं उन्हें अपने सभी पार्षदों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से अलीगढ़ के जनपद वासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी मेहनत से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके इस अलीगढ़ को विकास का जो सपना उन्होंने देखा वो पूरा होगा। ये मैं तो एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से एक साल आपके कार्यकाल को हो चुका है, तो पिछले वर्ष जो जल भराव की समस्या से सदियों से यहाँ पर अलीगढ़ वासी जूझ रहे हैं, तो इस बार किस तरीके की रणनीति के आपने बनाई है, इस बार परेशानी का सामना ना करना पड़े अलीगढ़ जनता? अलीगढ़ में बहुत बेग गैप रहा पिछले कई सालों से, यहाँ पे प्लानिंग नहीं हुई, उसी के तहत हमने रामगढ़ रोड पर रावण टीले पे जो बहुत पहले से प्रस्ताव था एक पंपिंग स्टेशन का, वहाँ पर रावण टीले पे हमने वो पंपिंग स्टेशन वहाँ पे बनवाया है। एक पंजाबी बाग में बहुत बड़ी समस्या रहती थी, वहाँ पे हमने पंपिंग स्टेशन बनवाया है। बाकी कई जगह उदय सिंह जैन रोड एक ऐसी जो कई सालों से वहाँ पे बहुत खराब स्थिति थी, जो आती तुरंत हमने शुरू करी, जो पानी की समस्या हमारे शहर में है। पहली बार मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, निगम द्वारा इतनी बड़ी पहल करी जा रही है कि पूरे क्षेत्र में जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा, वहाँ मिनी नलकूप ऑलरेडी शुरू हो गया लगा, जिसका 3 का हमने इनॉग्रेशन कर दिया है, 7 आने वाले एक हफ्ते से लेकर 10 दिन में 7 का हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अलीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि पानी के लिए पहली बार निगम ने इतनी बड़ी योजना तैयार करके शहर के लिए एक ऑलरेडी शुरू कर दी है। जलभराव के लिए हमने पोखरों की सफाई शुरू कर दी है, हम पानी की सप्लाई पे भी काम कर रहे हैं और पानी को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने कई पोखरें बहुत साफ करी हैं, जो कई कभी साफ ही नहीं हुई वो उनको, ताकि पानी सोखने की उनकी क्षमता बढ़ी है, उन पोखरों की क्षमता बढ़ी है। और मैं अलीगढ़ की जनप्रवासी को विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने डोर टू डोर उदय सिंह जैन रोड बहुत निर्माण के काम और अलग सफाई में हमारी बेटर देखें, आपको इस साल में बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हमने प्लान बना के एक टेंडर वगैरह लग गए हैं। और मैं पुनः अलीगढ़ की जनता को विश्वास दिला, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये साथी आपके साथ इस शहर को आगे ले आने जी जान लगा देगा, इस शहर को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अलीगढ़ में माननीय सांसद सतीश गौतम जी के तीसरी बार विजयी होने पर उनका सम्मान समारोह और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या खास रहा आज कार्यक्रम में? तो आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था, जो चुनाव परिणाम आए थे उससे कार्यकर्ता प्रफुल्लित था और आज उन्होंने सांसद जी का स्वागत करके अपना उत्साह दिखाया। किस तरीके संदेश देंगे आप? देखिए कार्यकर्ता जो हमारा केंद्र सरकार का नारा था 400 पार हम वो प्राप्त नहीं कर पाए थे, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी निराशा आई थी, लेकिन उसने ना कहा फिर केंद्र में सरकार बनी और हमारे सांसद जी विजयी हुए, इसके कारण उन्होंने पुनः उसी जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने का निर्णय लिया है और आज फिर सब कार्यकर्ता सांसद जी के और पार्टी के साथ खड़े। संजीव, आज किस तरीके आज कार्यक्रम रहा भाजपा का, क्या कहेंगे? ये भाजपा का कार्यक्रम था माननीय सतीश गौतम जी की जीत पर और माननीय महापौर प्रशांत सिंघल जी के एक वर्ष पूर्व होने पर
पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम रखा गया था, पूरे कार्यकर्ताओं को महानगर से बुलाया गया था और व्यवस्था की गई थी कि अच्छे से अच्छा स्वागत, जैसे जीत हुई है, जिस परिस्थितियों में जीत हुई है, जिन लोगों ने हमारे संग गलत किया है उसके बाद भी हमारी बड़ी अच्छी जीत हुई है, उस जीत को सागे लिए जिस कार्यकर्ताओं ने काम किया था, उन कार्यकर्ताओं की दृष्टि को रखते हुए, उनके मान सम्मान को रखते हुए सांसद जी का, महापौर जी का प्रोग्राम रखा गया था। आकर्षण का क्या केंद्र रहा आज कार्यक्रम के दौरान? आकर्षण के कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आया और उस कार्यकर्ता को देख के माने महापौर जी भी, माने सांसद जी भी बहुत खुश हुए। उनको अच्छा लगा कि ये जो कार्यक्रम है, मेरे कहते जितने भव्य जीत उनकी हुई है उसी भव्य कार्यक्रम को देखकर उनको अच्छा लगा होगा। इस खबर के लिए मेरे सही हुई प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़ अलीगढ़।